23 अप्रैल 2013 ये वो तारीख है जब दुनिया भर के करोड़ों फैंस एक ऐसी विस्फोटक पारी के गवाह बने थे जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज ही के दिन 7 साल पहले बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में एक तूफान आया था जो कि क्रिस गेल के बल्ले से निकला था। इस तूफान में पुणे वॉरियर्स की पूरी टीम पूरी तरह से तबाह हो गई थी। क्रिस गेल ने इस मुकाबले में 66 गेंदों में नाबाद 175 रन ठोक डाले थे और 102 मिनट की इस पारी में उन्होंने 13 चौके और 17 छक्के लगाए थे। क्रिस गेल ने महज 30 गेंदों में सेंचुरी पूरी कर ली थी जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, साथ 175 रन T20 की सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी है। आखिर कैसे बरपा था कहर? पुणे वॉरियर्स के कप्तान एरोन फिंच ने टॉस जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। बैंगलोर की पाटा पिच पर गेल पुणे के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे। पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार ने फेंका और इसमें सिर्फ 2 रन बने। सभी को लगा कि गेल और तिलक रत्न दिलशान बैंगलोर को सदी शुरुआत देंगे। दूसरा ओवर शुरू हुआ और गेल ने उनकी 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगाए, तभी बरसात शुरू हो गई। मैच 35 मिनट तक रोक दिया गया। जब मैच शुरू हुआ तो उसके बाद क्रिस गेल पुणे वॉरियर्स के गेंदबाजों पर ऐसे बरपे कि किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। दूसरे ओवर में गेल ने 21 रन बटोरे, हालांकि इसके बावजूद 4 ओवर तक बैंगलोर का स्कोर 33 रन ही था। गेल ने छक्कों की बरसात शुरू के 5वें ओवर से शुरू कर दी जब उन्होंने मिचेल मार्श के 1 ओवर में 4 छक्के लगा डाले। गेल ने इसी ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्हें 50 तक पहुंचने में महज 17 गेंदें खेलनी पड़ी और इस तरह से गेल ने 175 रनों की तूफानी पारी खेल दी। गेल की इस तूफानी पारी के दम पर बैंगलोर ने 5 विकेट पर 263 रन बना डाले जो कि T20 क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा टोटल है। जवाब में पुणे वॉरियर्स की टीम 9 विकेट पर 133 रन ही बना सकी, 130 रन से मैच हार गई। गेल ने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया और 2 विकेट अपने नाम किए। गेल की इस पारी को 7 साल बीत चुके हैं लेकिन आज भी वो तस्वीर सभी फैंस के जहन में ताजा है और शायद आगे भी रहेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए।